ये फाइनल मुकाबला, और फाइनल मुकाबले में अब कौन सी टीम 25,000 रुपए और ये चमचमाती हुई ट्रॉफी लेकर जाएगी, देखना होगा। श्री राम की टीम है और मोमेंट स्पोर्ट्स की टीम है। इन दोनों टीमों के लिए फिर से एक बार जोरदार ताली होनी चाहिए दोस्तों, मजा आने वाला है। ये चार चार ओवर का ग्रैंड फिनाले मुकाबला। टॉस जीता और पहले फील्डिंग करने का फैसला किया है श्रीराम टीम ने, और अब तक हर मुकाबले में उन्होंने रन चेस किया है। और सेमीफाइनल की अगर बात की जाए तो जिसमें दोनों को डिफेंड करने का कार्य किया है, ये फाइनल मुकाबला है। स्ट्राइक पर रहेंगे बल्लेबाज मोमिन स्पोर्ट्स की ओर से रेबर है, और नॉन स्ट्राइकिंग पर रहेंगे शाहिद अल शाहिद। पहली ओवर की पहली गेंद कट करना चाहते हैं, कट करने में कामयाब भी हुए, विकेट कीपर ने गेंद को रोका, कोई रन नहीं कोई नुकसान नहीं। डॉट गेंद आती हुई 30 प्लस रन बनाने होंगे इस फाइनल में। और ये भली बात ही जानते हैं श्रीराम के बल्लेबाज, जब बॉल टू रन होंगे स्कोर तो वो बना लेंगे, लेकिन 10 रन एक्स्ट्रा रहेंगे गेंदों से तो दिक्कतें हो जाएगी, तो कोशिश यही रहेगी 30 रन कम से कम बनाना चाहेंगे। नो का इशारा, नो प्लस वन, इस तरीके से 2 रनों से खाता खुला है मोमिन स्पोर्ट्स का। ऐसा लग रहा है मैं रत्नागिरी चैंपियंस ट्रॉफी कवर कर रहा हूं, ऐसा लग रहा है आरयूपीएल का कवर कर रहा हूं, ऐसा लग रहा है यूपीएल कवर कर रहा हूं, क्योंकि जिस तरीके से माहौल दर्शकों ने बनाया है काबिले तारीफ। थैंक यू सो मच दोस्तों, आप इस प्रतियोगिता की शान है, जान है, आप जितना शोर शराबा रखेंगे उतना ही मजा आएगा। हल्के हाथों से खेला है जिया से, एक रन आसानी के साथ डिक्लेयर क्षेत्र में मिलेगा और रन संख्या बनेगी 3 रन। बल्लेबाजी में थोड़ा सा चेंजेस नजर आ रहे हैं, शाहिद तो अल शाहिद तो जरूर स्ट्राइक पर आते हैं हमेशा, लेकिन थोड़ा सा नॉन स्ट्राइक इन पर रुके हैं, देखना होगा और किस तरीके से वो रन बनाते हैं। लेकिन अब फुल टॉस गेंद, हल्के हाथों से खेला और एक रन आसानी के साथ जुड़ेगा, स्कोर कार्ड आगे बढ़ेगा दोस्तों 4 रन बिना विकेट के नुकसान पर। जी हाँ, 25,000 रुपए की धनराशि और चमचमाती ट्रॉफी के लिए मुकाबला जारी है। अच्छा स्ट्रोक कर, लेकिन सीधा फील्डर के दस्तानों में, कोई रन नहीं कोई नुकसान नहीं। डॉट गेंद आती हुई, काफी प्रभावित अमित ने किया है अपनी गेंदबाजी से हर मुकाबले में, और इस समय बातचीत करते हुए एक अच्छी साझेदारी करनी होगी, किसी एक बल्लेबाज को जिम्मेदारी लेनी होगी। शफीक भाई कतर के लिए रवाना हो रहे हैं, और शफीक भाई आपका सफर बहुत ही अच्छा रहे, हम दुआ करते हैं, और आपकी मौजूदगी हमारे लिए बहुत ही ज्यादा खास थी, थैंक यू सो मच। इस बार फुल टॉस गेंद, गैप में खेलने का प्रयास, लेकिन सीधा जाएगी फील्डर के दस्तान में, कोई रन नहीं कोई नुकसान नहीं। डॉट गेंद आखिरी गेंद है। यूट्यूब पर कतर दुबई से काफी दर्शक हमारे साथ जुड़े हुए हैं, उन सभी का मैं सरदार शेख तहे दिल से स्वागत करता हूं। एक गेंद शेष है, 5 गेंदों पर 5 रन खर्च किए हैं गेंदबाज अमित ने, नफीतुरी गेंदबाजी। ये फाइनल मुकाबला, करो या मरो की स्थिति है हर बल्लेबाज को। चौका निकला है, बढ़िया स्ट्रोक है, वन बाउंस चौका निकलता हुआ, 9 रन बनते हुए इस चौके के साथ। बहुत ही खूबसूरत स्टेट ड्राइव लगाया और ये 4 रन हासिल किए है। एलईडी स्क्रीन के ऊपर ये छोटे समर्थक जश्न मनाते हुए, जी हाँ क्यों ना हो, बड़ा मुकाबला है। 9 रन बने, अच्छा स्टार्ट मिला है। अब शाहिद स्ट्राइक के ऊपर अल शाहिद, और मयूरेश गेंदबाजी करेंगे। 50-50% चांसेस है दोनों टीमों के पास इस टाइटल को अपने नाम करने के लिए, और व्यक्तिगत भी काफी ट्रॉफियां मौजूद है। ओवर पिच गेंद, अच्छा स्ट्रोक, अच्छी फील्डिंग, कोई रन नहीं कोई नुकसान नहीं। डॉट गेंद, जी हाँ 6:15 बज चुके हैं और मगरिब से पहले ये मैच फिनिश होगा, और पता चलेगा इस 25वें सीजन का कौन विनर है, मोमिन स्पोर्ट्स या श्रीराम, या आने वाला समय बताएगा। अच्छी क्रिकेट यहाँ पर खेली होगी, बहुत ही अच्छी गेंद, चेंज ऑफ पेस यहाँ पर गेंद की थी, थर्ड अंपायर यहाँ पर लिया है, पूछना चाहते हैं मुजाहिद भाई को। जी हाँ देखना होगा, चेंज ऑफ पेस गेंद की, विकेट कीपर चौखन्ने थे, स्टंपिंग का यहाँ पर विकेट मांगा और ये विकेट मिलता हुआ, अल शाहिद का यहाँ पर विकेट गिरेगा। नए बल्लेबाज बीच मैदान में आएंगे और नए बल्लेबाज रहेंगे इस समय, फैजान आए हैं, पिछले मैच में अच्छी बल्लेबाजी की थी, अब भी इसी बल्लेबाजी की उम्मीद रहेगी। 9 रन 1 विकेट के नुकसान पर,
दूसरी ओर की अब तीसरी गेंद जरूर मयूरेश की, और देखना होगा कितने रन और किस तरीके से रन बनाते हैं। लक्ष्यम के बाहर गेंद थी, और जी हाँ व्हाइट प्लस वन, दो रन मिलेंगे, 11 रन, व्हाइट प्लस वन दो रन, एक और 11, 35 के करीब कम से कम जाना होगा मोमिन स्पोर्ट्स टीम को। उनको पता है बढ़िया फॉर्म में चल रहा है बैटिंग में श्रीराम की टीम, और कंपलसरी चेस होने की वजह से ये रन आपको बनाने हैं जरूर। फैजान ऑफ्टम के काफी बाहर है, वाइट का इशारा जरूर आता हुआ, थोड़े से दबाव में गेंदबाजी चल रही है, इशारा आएगा इस वाइड से, 12 रन बने हैं। दूसरा ओवर प्रगति पथ पर है, हल्के हाथों से खेला, रनआउट का खतरा हो सकता है, डायरेक्ट हिट यहां पर जरूर है, और ये विकेट मिला है, ये विकेट मिलता हुआ, वन बाउंस विकेट पर जा टकराई गेंद, और ये विकेट मिला है। जरूर एसआर के आए हैं, शाहरुख आए हैं, एसआर के जब भी कहा जाता है किंग खान का नाम हम लेते हैं, और किंग खान जब कहते हैं तो केकेआर कोलकाता नाइट राइडर के ओनर के रूप में उभर कर आते हैं। अब तक 3 टाइटल उन्होंने अपने नाम किए, 2014 के बाद 10 साल इंतजार करना पड़ा, और 2024 इस साल उन्होंने फिर से एक बार आईपीएल की ट्रॉफी अपने नाम की है। लेकिन ये एसआर के क्या इस मोमिन स्पोर्ट्स गावकड़ी मुंबई की जानिब से रखी गई प्रतियोगिता को जीत दिलाएंगे, क्या अपने टीम को केकेआर का दर्जा दे पाएंगे, देखना होगा। विद द स्पिन खेलने का प्रयास, और विकेटों के विकेट कीपर के हाथों में गेंद जाकर रुकती हुई डॉट गेंद, ऊंचे लंबे कद के खिलाड़ी है, क्षमता रखते हैं दोनों और बल्लेबाजी करने के लिए, अच्छी यहां पर जो है फील्डिंग मयूरेश द्वारा, डॉट गेंद आएगी, 12 रन बने हैं, 2 विकेटों के नुकसान पर, 1 गेंद शेष है अभी भी, ये फाइनल मुकाबला है, जी हाँ करो या मरो की स्थिति में है, अभी नहीं तो कभी नहीं है। देखिए जब दर्शक कह रहे होंगे कि आप नहीं कर सकते, वही मौका होता है कुछ कर दिखाने का, इस समय मौका है आपको कुछ कर दिखाने का, रन जरूर पूरा करेंगे। इस 1 रन से दूसरा ओवर समाप्त होता हुआ, रन बने हैं 13 2 विकेट के नुकसान पर, पहली ओवर में रन बने थे 9, तो दूसरी ओवर में रन बने 4, कुल मिलाकर 13 रन बने 12 गेंदों पर, आने वाली 12 गेंदों पर 20 रन तो बनाने होंगे अगर अपनी चुनौती जिंदा रखनी है तो, 20-25 के करीब अब रुके गए तो आसानी के साथ श्रीराम की टीम इस रनों को मुकम्मल कर सकती है, और ये पिछले कई मुकाबलों में देखा है तो यही पहले बात रहेगी जहन में कि 30 के पार हमें जाना है। मुजम्मिल जो कि कैप्टन आकर समझाते हुए किस तरीके से बल्लेबाजी करने है, एसआर के शाहरुख है स्ट्राइक पर, और गेंदबाजी के लिए आते हुए पिछले मैच के हीरो पार्थिव, कमाल की गेंदबाजी रही थी, व्हाइट आर मोर द विकेट से तीसरी ओवर की पहली गेंद करेंगे, लक्ष्यम के काफी बाहर है, व्हाइट जरूर मिलेगा, और ये वाइट प्लस वन, 2 रन मिलते हुए, अगर ये चंद 100-200 के क्राउड में इतनी जो शोर शराबा है तो सोचिए जब 1,25,000 के स्टेडियम के अंदर जब शोर शराबा होता रहेगा तो क्या अहम होता रहेगा, और क्या रोल अदा करना पड़ता होगा, हर खिलाड़ी को चिल्लाना पड़ रहा होगा, और यही जो आपका जो क्राउड है आपको जरूर रोचकता की ओर लेकर जाता है। ओ एसआर के शाहरुख ने छलांग लगाने से पहले गेंद टकराई थी, फैजान के पास स्ट्रोक का सिलेक्शन अच्छा था लेकिन रन नहीं दे पाया, फुल टॉस गेंद सीधा फील्डर के दस्ताने में, हिटदार गेंद आते हुए तीसरा ओवर चल रहा है, और तीसरी ओवर में कम से कम 2 चौके आना बहुत ज्यादा जरूरी है। बातचीत यहां पर की जा रही है शाहरुख और फैजान के दरमियान, और आने वाले और 4 गेंदों पर 5-6 रन भी आते तो बहुत बड़ी उपलब्धि रहेगी, 1 चौका तो आना बहुत ज्यादा जरूरी है, देखना होगा। ऑफ साइड की दिशा में 4, लेग साइड की दिशा में 3, इस तरीके से फील्ड सजाई गई है, हल्के हाथों से खेला, 1 रन जरूर मुकम्मल करेंगे, 16 रन बनते हुए 1 रन के साथ, तो आने वाली अब 3 गेंदे जो है तीसरी ओवर की उस पर प्रहार करना चाहेंगे, 16 बने हैं 2 विकेटों के नुकसान पर, 1 चौके की तलाश में जरूर रहेंगे, इस बार भी हल्के हाथों से खेला है, और 1 रन जुड़ता हुआ, 17 रन बनते हुए, बढ़िया बल्लेबाजी, सेंसिबल क्रिकेट इस समय फैजान द्वारा देखने को मिल रही है, 2 गेंदे अभी भी शेष है तीसरी ओवर की,
सेलिब्रेशन अभी से ही बनाना शुरू हुआ है, देखना होगा। हल्के हाथों से खेला है, गेंद जाती हुई निकले क्षेत्र में एक रन के लिए, रन संख्या बनेगी 218 रन। अब इस गेंद के ऊपर चौके की तलाश में रहेंगे बल्लेबाज। तीसरी ओवर की आखिरी गेंद है, तीसरी ओवर की आखिरी गेंद है, इस पर चौका आता है तो सोने पे सुहागा होगा मोमिन स्पोर्ट्स के लिए। ओवर पिच गेंद सीधा फील्डर के दस्तानों में, डॉट गेंद के साथ ओवर की समाप्ति हुई है, तीन ओवर का खेल समाप्त हुआ, रन बने हैं 18, 6 रन के औसत से रन बनते हुए अब आने वाली 6 गेंदों पर और 10 रन किसी भी हाल में जोड़ना होगा। युवराज आते हुए, युवी आते हुए, शाहरुख अब स्ट्राइक पर रहेंगे, क्या सिंगल लेकर फैजान को स्ट्राइक पर लाया जाएगा या शाहरुख यहां से अब प्रहार करेंगे, देखना होगा। फाइनल का मुकाबला है, ग्रैंड फिनाले मुकाबला है, चमचमाती हुई ट्रॉफी अपने नाम करने के लिए, 25,000 रुपए की धनराशि अपने नाम करने के लिए टशन जारी है और वाइड का इशारा इस समय आता हुआ और इस वाइड के साथ स्कोर कार्ड आगे बढ़ेगा 19 रन लॉस ऑफ 2 विकेट। जरूर ओवरी गेंद करने का प्रयास, टिप्पा खाने के बाद थोड़ी सी अंदर आई, लाइन के ऊपर से शायद गेंद चली जा रही थी और ये वाइड का इशारा दिया गया सज्जाद भाई इनकी ओर से। मेन अंपायर सज्जाद भाई, स्क्वेयर लेग अंपायर है साकिब भाई और थर्ड अंपायर है मुजाहिद भाई। इस समय अच्छी गेंद थी और यहां पर जो है क्रीज आउट के शिकार बने हैं शाहरुख, उनकी जगह लेने देखना होगा किसको भेजा जाता है। नवीद पिछले मैच का हीरो आज इनका बोलबाला है और अब यही उम्मीद है, नवीद के कंधों पर ही बहुत बड़ी जिम्मेदारी है क्योंकि 5 गेंदें जो बची है उस पर 2 चौके भी जड़ते हैं तो बहुत बड़ी उपलब्धि होगी। क्या कमाल की फील्डिंग गेंदबाजी की थी पिछले मुकाबले में, अब बल्लेबाजी का रोल अदा करेंगे नवीद और बाउंड्री लाइन के चार और दर्शकों का सैलाब इस समय आया है। जी हाँ, आधा श्री राम टीम की ओर से है, आधा मोमिन स्पोर्ट्स की ओर से है। ओवर पिच गेंद है और ऐसा लग रहा है नवीद के दिन है, नवीद का रात है और आज के दिन और रात में नवीद की ही बात है। क्या बात है, कमाल का शोक जड़ते हुए। जी हाँ, बिलाल भाई इनकी ओर से 100 रुपए की, हिलाल जी पेजे साहब इनकी ओर से 100 रुपए की धनराशि आती हुई नवीद के लिए। देखिए जब मुबीन भाई दिन आपका होता है ना, कुछ भी कीजिए आपके पल्ले में ही जाता है और ऐसा लग रहा है आज का दिन जो है नवीद के नाम पर रहेगा। पहली गेंद को फेस कर रहे थे, टैप करते हुए चौका जड़ा है, जिस क्षेत्र में सबसे बेहतरीन फील्डर थे श्रीराम टीम के, रन बने हैं 23 रन, 3 विकेटों के नुकसान पर। युवराज के ओवर में और प्रहार करने की कोशिश रहेगी, छोटे कद के खिलाड़ी है ये, राइट हैंडेड बॉक्स क्रिकेट के रिंकू सिंह रहेंगे जिस तरीके से बल्लेबाजी कर रहे हैं। इस बार नहीं, नहीं चौका चाहिए था, छक्का नहीं है, रिंकू सिंह छक्के लगाने के लिए जाने जाते हैं इसीलिए इन्होंने छक्का जड़ा है, गलत समय पर गलत जगह पर मैंने कमेंट्स किया है। और जी हाँ, ये विकेट मिलता हुआ और श्रीराम टीम के लिए राहत की सांस रहेगी। जी हाँ, ये विकेट मिला है, 4th विकेट गिरा है। पहली गेंद वाइड है, दूसरी गेंद पर विकेट, तीसरी गेंद पर चौका है, चौथी गेंद पर विकेट और 3 गेंदें शेष है और 3 गेंदों पर देखना होगा अब किस तरीके से बल्लेबाजी करते हैं। कैप्टन है मुजम्मिल, जी हाँ, मैच खत्म होने के बाद सीनियर कहेंगे आकर मुझे मिल, लेकिन मुजम्मिल क्या करेंगे बल्लेबाजी से, इस बार टैप जरूर किया है, रन लेना चाहते थे और रन आउट के शिकार बने हैं, धीमी गेंद थी और टैप करने के चक्कर में रन आउट के शिकार बने हैं। 2 गेंदें अभी भी शेष है, 23 रन बने हैं। एक अहम बात है जो कि अब फैजान स्ट्राइक पर आए हैं जो कि और 2 गेंदे हैं उनको फेस करना चाहेंगे, इस 2 गेंदों पर एक चौका आना बहुत ज्यादा जरूरी है, देखना होगा ये फाइनल मुकाबले में कितने रनों की चुनौती श्रीराम टीम के सामने देते हैं। बहुत ही बड़ा मुकाबला, बहुत ही अच्छा नजारा बना है, 6:30 बज चुके हैं और इस समय धीमी गेंद थी, देखना होगा फैसला क्या आता है। नो का इशारा तो जरूर है, लाइन के अंदर गेंद है या बाहर गेंद है पूछना चाहते हैं लाइनमैन से।
समझ सकते हैं डिक्लेयर का इशारा, रुको थोड़ा सबर करो, मैच गर्म हो रहा है। हाँ जानते हैं एक एक रन बहुत ज्यादा कीमती है हर एक टीम के लिए। देखिए इस समय देख रहा होगा सीधे बल्ले से खेला है, रन लेना चाहते हैं स्ट्राइकिंग एंड पर, रन यहां पर लिया है और इस समय देख रहा होगा बातचीत करना चाहते हैं इस समय। अलकामा जो कि ओपनिंग के लिए बल्लेबाजी के लिए आते थे, पहली इनिंग की आखिरी ओवर की आखिरी गेंद रहेगी। उम्मीद करते हैं देवेंद्र को ज्यादा गंभीर चोट नहीं आई होगी, फिर से एक बार फिट होकर वो बीच मैदान में खेलते हुए नजर आएंगे। सामने अब बल्लेबाज रहेंगे अलकामा जो कि ओपनिंग के लिए आया करते थे, अब काफी पीछे भेजा है, ये कुछ अलग रणनीति यहां पर आजमाई। यह आखिरी गेंद है पहली इनिंग की, इस बार बढ़िया चोट खेला है और गेंद जाते हुए डिक्लेयर क्षेत्र में एक रन के लिए, रन बने हैं 25-26 रन चाहिए श्री राम टीम को इस फाइनल को अपने नाम करने के लिए। कहीं मत जाइए मेरे दोस्तों, मैच अच्छा होने वाला है और इस फाइनल की ट्रॉफी पर कौन अपना नाम लिखने वाला है ये भी पता चलेगा। 24 गेंदे जीतने के लिए 26 रनों की जरूरत है श्री राम टीम को इस मुकाबले को जीतने के लिए। चला जास्त वेळ घेऊ नका,
आइए चलते हैं सेकंड इनिंग में, 26 रन चाहिए 24 गेंदों पर। अल शाहिद मयूर स्ट्राइक पर और देवेंद्र नौ स्ट्राइक एंड पर। पहली ओवर की पहली गेंद इस समय जो है सिंगल यहां पर मुकम्मल कर लिया। एक रन से खाता खुला है श्रीराम टीम का। जैसे जैसे मैच आगे जाएगा, जैसे जैसे गेंदबाजी चली जाएगी, जैसे जैसे बल्लेबाजी चलेगी, मजा आएगा। एक रन से खाता खुला है श्रीराम टीम का। देवेंद्र स्ट्राइक पर, काफी शातिर खिलाड़ी है, हर गेंद पर रन लेने के लिए इस बल्लेबाज को जाना जाता है और वही टेक्निक यहां पर आजमाने की कोशिश करेंगे। टॉस गेंद थी, एक रन और जुड़ेगा दूसरी गेंद पर और एक रन यानी कि दो रन यहां पर बनते हुए स्कोर कार्ड में। और जिस तरीके से क्रिकेट है, पहली 12 गेंदों पर 14-15 रन बना लेते हैं ताकि दबाव गेंदबाज के ऊपर बना सके। और ये रणनीति श्रीराम टीम की रंग लाई है इस प्रतियोगिता में और हमेशा यही करते हैं और वही कोशिश सफल हुई है। और जिस तरीके से अब 26 रन का पीछा करते हुए पहली दो गेंदों पर 2 रन बना लिए हैं। अल शाहिद सुरखी अगली गेंद हल्के हाथों से खेलेंगे, दिक्कत नहीं आएगी सिंगल लेने में। तो जी हाँ, तीसरी गेंद पर ये और एक रन यानी कि 3 रन बनेंगे और थोड़ा सा धीमा खेलते हैं, उसके बाद जब जरूरत है तब चौके लगा लेते हैं। अच्छी कोशिश, अच्छी सोच और कामयाबी इनको हमेशा मिलती हुई। आदरणीय सिद्धप्पा नाईक सर यांचं आगमन झालंय, त्यांचं मी सहर्ष स्वागत करतो या क्रिकेटच्या स्पर्धेमध्ये। वेलकम सर, आपलं स्वागत आहे। और एक रन यहां पर चुराया है, पहली 4 गेंद पर 4 रन, सिंगल सिंगल जाएगा, दिक्कत नहीं होगी क्योंकि ऐसे मैच जाएगा और तो जरूर आखिरी ओवर तक जाने की आशंका। लेकिन जिस तरीके से बल्लेबाजी करते हैं देवेंद्र और मयूरेश, प्रभावित किया है पिछले कई मुकाबलों में, इसलिए फाइनल तक पहुंचने में कामयाबी हासिल की है। इस बार भी अच्छा स्ट्रोक, एक रन देकर जाएगा, रन संख्या बढ़ेगी 5 बिना विकेट के नुकसान पर। 26 रनों का पीछा कर रहे, आखिरी गेंद है, गेंदबाज को एक्स्ट्रा गेंद नहीं करनी है अगर मैच में बने रहना है तो। और इस आखिरी गेंद पर क्या चांस लेंगे या सिंगल यहीं से बनाकर पहली ओवर में 6 रन मुकम्मल करेंगे, देखना होगा। उनको पूरी तरीके से पैक किया गया है, देखना होगा। इस समय पहली ओवर की आखिरी गेंद देवेंद्र के लिए, क्या हाथों से खेला है, जी हां मौका था रन आउट का, लेकिन इस मौके को गमाया है। देवेंद्र का विकेट मिल सकता था, आखिरी गेंद पर सिंगल रन बना है, पहले ओवर का खेल समाप्त हुआ है, रन बने हैं 6 बिना विकेट के नुकसान पर। छह रन बने हैं पहले ओवर में, 18 गेंद 20 रनों की जरूरत है। और अल शाहिद की अगर बात की, तारीफ करनी होगी, कोई गेंद एक्स्ट्रा नहीं की है, सिंगल हर गेंद पर जरूर बना है लेकिन उतनी तारीफ गेंदबाज की भी होगी क्योंकि एक्स्ट्रा गेंद नहीं की है। जब हर गेंद पर रन बनता है तो गेंदबाज कुछ अलग करने की कोशिश में एक्स्ट्रा गेंदे कर बैठते हैं, लेकिन ऐसा हुआ नहीं है। जितनी शातिर बल्लेबाजी चल रही उतनी शातिर गेंदबाज यहां पर होती हुई, किस गेंदबाज को यहां पर लाया जाएगा देखना होगा। फैयाज को लाया गया है, सबसे सीनियर खिलाड़ी वोमेन स्पोर्ट्स का, और प्रभावित किया अपने गेंदबाजी से, 96 नंबर जर्सी पहने वाला एक खिलाड़ी, देखना होगा अपने अनुभव का किस तरीके से इस्तेमाल करते हैं। हल्के हाथों से खेला, एक रन जरूर जुड़ेगा, 7 गेंदों पर 7 रन बने हैं, एक रन यहां पर जरूर मिला है। काफी शांत है ये स्टेडियम, जब आखिरी पड़ाव में आखिरी 6 गेंदों पर जितने रन चाहिए वो होगा, माहौल तो गर्म होगा, तब मुझे लगता है जितने भी शांत दर्शक है वो शोर शराबा करेंगे क्योंकि इस 26 रनों की कीमत है 25,000, तो हिसाब लगाएंगे तो तकरीबन 990 के करीब हर एक रन। और यह विकेट मिला है, बड़ा विकेट मिला है और यह विकेट दिलाया है एस आर के ने, शाहरुख ने, पिछली दो बार चूके थे इस बार नहीं, ना विकेट मिला है रनआउट का। रनआउट का विकेट देना इसका मतलब है क्रिकेट में सुसाइड करने के बराबर, क्रिकेट मधील आत्महत्या समझ ली जाते है। मयूरेश यांनी ही आत्महत्या केले या अंतिम सामन्यामध्ये, जी हाँ गेम चेंजर खिलाड़ी बीच मैदान में आते हुए इस समय प्रज्योत। और फैयाज ने पहली गेंद पर सिंगल जरूर खर्च किया लेकिन उसके बाद शाहरुख जिस तरीके से
सिली शॉटलेग की दिशा में तैनात थे, वहां से उन्होंने अच्छा कार्य किया, ये विकेट मिला है रन आउट के रूप में। प्रज्योत, ये बड़ा विकेट है, इनके खिलाफ कुछ षड्यंत्र, कुछ अलग ही रणनीति आजमाना चाहेंगे। ये मुजम्मिल भी जानते हैं, ये शाहरुख भी जानते हैं, ये फैयाज भी जानते हैं और मोमिन स्पोर्ट्स के सभी समर्थक भी जानते हैं ये विकेट कितना महत्व रखता है, क्योंकि वन मैन आर्मी की तरह पिछले तीन में से दो मुकाबले प्रज्योत ने अपने नाम किए हैं और इस बार भी ये फाइनल मुकाबले में भी वही कोशिश करना चाहेंगे। फैयाज की इस ओवर की अब तीसरी गेंद, यानी कि दूसरी ओवर की तीसरी गेंद, 7 रन बने हैं। फुल टॉस गेंद थी, टैप किया है, चौका, ऑफ स्टंप के बाहर गेंद जरूर की थी लेकिन गेंद को भेजा बाउंड्री के बाहर 4 रनों के लिए। प्रज्योत ने ज्योत जलाई रखी है अपने जीत की और आते ही चौका जला है और इस चौके के साथ रन बनेंगे 11 एक विकेट के नुकसान पर। 15 गेंदों पर 15 रनों की जरूरत है, इस ओवर में अभी भी 3 गेंदें शेष है। बातचीत की जा रही है इसके लिए अंपायर से, कुछ रूल्स है उसको फॉलो करने होंगे और अगर फॉलो नहीं करते तो बहुत ज्यादा नुकसान होगा। फैयाज ने चतुराई के साथ ऑफ स्टंप के बाहर गेंद जरूर की थी लेकिन प्रज्योत ने मन बना लिया था गेंद कहीं पर भी आए मुझे उस गेंद को जरूर बल्ले पर लेना है। जड़ में गेंद थी और एक चौका है, ओवर शॉट, ओवर पिच गेंद बना ली, टैप किया है, मौका नहीं है किसी भी फील्डर के पास, 4 रन, रन संख्या बनेगी इस चौके के साथ 15 रन, 11 रनों की अभी भी जरूरत है, आने वाली 14 गेंदों पर 11 रन चाहिए, 14 गेंदे 11 रन, ये कहानी है, क्या यहां से मैच का रुख पलटेगा, हवा पूरी तरीके से थम चुकी है, क्या सुनामी आने से पहले वाला तो ये सन्नाटा नहीं है, देखना होगा। जी हाँ, इस खाड़ी की लहरें भी थोड़ी सी थम चुकी है, वो भी कह रहे हैं रुको थोड़ा सा सब्र करो, देखना होगा ये जीत का जश्न मनाने के मोमेंट किसको मिलते हैं, श्रीराम या मोमेंट स्पोर्ट्स। और अब तक देखा जाए तो पलड़ा भारी है श्रीराम टीम का, जिस तरीके से बल्लेबाजी चल रही है, ऑफ साइड की बाहर गेंद थी, चौका यहां पर जड़ा है, गैप में गेंद है और इस चौके के साथ रन संख्या बनेगी दोस्तों 19 रन। आखिरी गेंद है, 7 रनों की जरूरत है 13 गेंदों पर, 13 गेंदों पर 7 रनों की जरूरत, पिछले साल का अधूरा सपना अब पूरा करने की कोशिश करती हुई श्रीराम की टीम। जी हां, बहुत ही अच्छा प्रदर्शन ने प्रज्योत कर रहा है, जिस लय में जिस अंदाज में बल्लेबाजी कर रहे हैं, अब इस गेंद पर भी नजर रहेगी, गेंद को डॉट करने का प्रयास जरूर करना चाहेंगे। जी हां, जड़ में गेंद थी, रोका है, विकेट मिला है, क्या मुकाबले का ये टर्निंग पॉइंट है, देखना होगा। देवेंद्र की पारी यहां पर समाप्त हो चुकी है और दो ओवर का खेल समाप्त हुआ, रन बने हैं 19। और ये रन आउट का विकेट मिला है, 12 गेंदे 7 रनों की जरूरत है। देवेंद्र नाम का एक बहुत बड़ा झटका लगा है श्रीराम टीम को लेकिन अभी भी हुकुम का इक्का, प्रज्योत बीच मैदान में मौजूद है, नवीद को लाया जाएगा या नहीं देखना होगा, उनका सिक्का चल रहा है, अगर नवीद को लाते हैं तो शायद मौका बन सकता है। और जिस खिलाड़ी का सिक्का चाह, जी हाँ मेरी बात शायद ही उनके जहन में उतर चुकी है और नवीद को गेंदबाजी के लिए लाया गया है, हीरो तो वो ही है ही लेकिन हीरो से सुपर हीरो बनने का इससे अच्छा मौका नहीं है आपके पास। जी हाँ, नवीद के पास क्वालिटी है, अच्छी गेंदबाजी कर लेते हैं लेकिन रन कम बचे हैं लेकिन फिर भी नए जज्बे के साथ गेंदबाजी करना चाहेंगे। 12 गेंदे 7 रनों की जरूरत है, 7-12 इस जमीन का 7-12, इस ग्राउंड का 7-12 किसके नाम पर है मुझे नहीं पता लेकिन इस ट्रॉफी का 7-12 किसके हाथों में जाएगा ये आने वाले समय में पता चलेगा। 7 रनों की जरूरत है 12 गेंदों पर, यस, नीड 7 रन फ्रॉम 12 बॉल्स, मैच बहुत ही क्रूशियल मोड पर आया है, जरूर प्रज्योत का विकेट लेना चाहेंगे मोमिन स्पोर्ट्स के खिलाड़ी। नवीद के हाथों में गेंद थमाई गई है, तीसरी ओवर की पहली गेंद नवीद की, सामने रहेंगे प्रज्योत, हल्के हाथों से खेलेंगे, डिक्लेक क्षेत्र में जाएगी,
इस समय एक रन के लिए और इसे एक रन अपील किया गया है, अपील किया गया है। चलिए डिक्लेयर क्षेत्र का इशारा दिया गया है और इसे एक रन से स्कोर कार्ड आगे बढ़ेगा। 20 11 गेंदे 6 रनों की जरूरत है, एक एक रन को यहां पर रोका जाएगा और कहीं ना कहीं मोमेंट स्पोर्ट्स के खिलाड़ी चाहेंगे कि प्रज्योत को जल्द से जल्द यहां पर आउट किया जाए, लेकिन ये मैच फिनिश करके बाहर आने वालों में से देखना होगा क्या होता है। ये क्रिकेट है, क्रिकेट अनिश्चितताओं से जुड़ा हुआ खेल है। बाहर बहुत ही अच्छी गेंद, स्क्वायर लेग की दिशा में खेलना चाहते थे, कहीं ना कहीं यहां पर डॉट गेंद परेशानियों का सबब बनेगी। 11 गेंदे 6 रन है, नवीद ने वही किया है जो उनको बताया गया है। जी हाँ, 10 गेंदे 6 रनों की जरूरत है। बहुत ही अच्छा माहौल अभी भी बना हुआ है। आने वाली 4 गेंदे जो है इस ओवर की उस पर नजरें रहेगी, दिक्कत नहीं होगी 6 रन बनाने में, लेकिन फिर भी विकेट बचाए रखना चाहते हैं प्रज्योत। नवीद की अगली गेंद है, सामने है प्रज्योत, अच्छी बल्लेबाजी कर रहे हैं, लक्ष्य के बाहर गेंद रहेगी, वाइड का इशारा जरूर आता हुआ। स्कोर कार्ड आगे बढ़ेगा 21 रन, 5 रनों की जरूरत है जीतने के लिए। जरूर 10 गेंदे 5 रनों की जरूरत है और नवीद लाइन से थोड़ा सा भटकते हुए नजर आ रहे, बातचीत की जा रही है, देखना होगा। अभी भी यहां पर रन बनाने के लिए मशक्कत करनी पड़ रही है, कदम का इस्तेमाल किया है और इसी के साथ श्रीराम टीम ने इस फाइनल को अपने नाम किया है। व्हाट अ विक्ट्री, 25,000 रुपए की धनराशि और चमचमाती हुई ट्रॉफी के हकदार श्रीराम टीम बन चुकी है। वेल प्लेड, वेल प्लेड, वेल प्लेड, ये जश्न मनाया जा रहा है और कहीं ना कहीं मोमेंट स्पोर्ट्स टीम भी यहां पर कहती हुई नजर आएगी। अपनी जीत पे इतना ना इतना है गालिब, तेरे जीत से ज्यादा तो चर्चे मोहल्ले में हमारे हार के हैं। मोमेंट स्पोर्ट्स ने भी अच्छा प्रहार किया कम टोटल होने के बावजूद और आखिरकार श्रीराम टीम ने इस ट्रॉफी के ऊपर अपना नाम लिखा है। 6 विकेट से इस मुकाबले को अपने नाम किया है। वेल प्लेड, और फिर से एक बार इस मुकाबले के मैन ऑफ द मैच बने हैं प्रज्योत और ये ट्रॉफी देने के लिए बुलाना चाहूंगा, ये जर्सी देने के लिए बुलाना चाहूंगा मोमेंट स्पोर्ट्स के प्रेसिडेंट अनवर भाई पेजे साहब, इनसे गुजारिश करूंगा कि ये जर्सी देकर उनको नवाजे। वेल प्लेड,